मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। ऐसे में पूरी कांग्रेस पार्टी भाजपा पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता ने भाजपा सरकार पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा चुनाव हार रही है, इसलिए केंद्रीय मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने जबरदस्त निशाना साधा और कहा सिंधिया बिन पैंदी के लोटे हैं जो जनता को पसंद नहीं आएगा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस आक्रामक तेवर अपनाए हुए है और कांग्रेस नेता जोर शोर से भाजपा सरकार पर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भाजपा को हार का डर है, इसीलिए भाजपा ने केंद्रीय मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। भाजपा में लड़ाई इस बात की है कि कौन सबसे कम वोट से हारेगा। देखिए, भाजपा तो डरी हुई है और उसे वो अब डरी ही नहीं है, वो आश्वस्त है कि मध्य प्रदेश में उनकी हार हो रही है। जो वो आंतरिक सर्वे करवा रहे हैं उन सर्वे में भी पूछा जा रहा है कि सबसे कम वोट से कौन प्रत्याशी हारेगा, और इसी सिलसिले में नरेंद्र मोदी शिवराज सिंह चौहान का नाम भी नहीं ले रहे, उनकी की हुई घोषणाओं का भी नाम नहीं ले रहे, क्योंकि उन्हें पता है जितना नाम लेंगे भाजपा का वोट कटेगा। तो शायद उन्होंने सोचा होगा कि डैमेज कंट्रोल हो जाएगा, बड़े तथाकथित बड़े नेताओं को, केंद्रीय नेताओं को उतारते हैं, पर वो नेता बेचारे आए तो उन्होंने कहा कि हमारी भी लुटिया डूब जाएगी, ये तो डूबती कश्ती है, तो इसीलिए वो भी कह रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते। तो अब अपने ही दाव पेच में फंसती जा रही है मोदी सरकार, ये बड़ा ही दुखद मामला है। कांग्रेस सरकार को गिराने में सबसे अहम रोल निभाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया पर प्रहार करते हुए रागिनी ने कहा कि सिंधिया बिन पेंदी के लोटे हैं जिसे जनता बिल्कुल पसंद नहीं करती। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निशाने पर रखते हुए रागिनी नायक ने बयान दिया कि शिवराज सिंह चौहान पर उनकी अपनी पार्टी ही भरोसा नहीं कर पा रही है, ऐसे में जनता उन पर क्या भरोसा करेगी। देखिए, अगर घोर विरोधी कांग्रेस चैनल गोदी मीडिया भी 128 सीट आज दिखा रहा है, तो मैं मान के चलती हूँ कि 168 सीट कांग्रेस की है। देखिए, ये तो चुनाव का नतीजा बताएगा कि किसको नकारा है या नहीं, पर मैं ये जरूर मानती हूँ कि वैचारिक रूप से जो लोग प्रतिबद्ध नहीं होते जनता के सामने, उनकी कलई बहुत आसानी से खुल जाती है और बेपैंदी का लोटा कभी भी जनता को पसंद नहीं है। जब मैं तो उल्टा कहती हूँ कि जब बीजेपी ही अपने मुख्यमंत्री के चेहरे पर भरोसा नहीं कर रही है तो जनता क्या करेगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।